सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया दे साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीआं खास खबरां दे खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज 1 अप्रैल है, दिन शुक्रवार है। खबरां दे इस खास बुलेटिन दे विच तुहानू पंजाब दे नाल जुड़ियां सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां दस दिंदे आं। अज पंजाब विधानसभा का विशेष इजलास 10 बजे शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगवाई वाली सरकार जदों तो बनी है दूजी वारी सैशन बुलाया गया है। लंघी रात विधानसभा वालों जारी किए गए प्रोग्राम के मुताबिक आम आदमी पार्टी की सरकार दे वालों केंद्रीय गृह मंत्रालय के फैसलों खिलाफ मता लिया जाएगा तो यह मता मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान खुद पेश करेंगे, जिसते सदन में बहस होगी। विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने सारे विधायकों सदन के हाजरी भरने लिए कहा है। इस खास इजलास की सारी कार्रवाई पंजाब सरकार के यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया के होर साधना राही सीधी दिखाई जाएगी, जिन्हों ही देश विदेश विच बैठा कोई भी व्यक्ति बहस नूं सुन सकता है। पिछले दिनी आम आदमी पार्टी की सरकार ने विधानसभा का विशेष सैशन यानी कि विधानसभा का कोई भी सैशन हुण लाइव दिखाए जाने का ऐलान किया सी। ते केंद्र सरकार दे जिहड़े फैसलों के खिलाफ मता पेश किया जाना है उन्हां दे विच एक तां BBMB का मुद्दा है जिहड़ा पिछले दिनी केंद्र सरकार ने लिया है। पंजाब दे नाल धक्का करन दा फैसला इस नूं मन्निया गया, इसका हजे तक विरोध हो रहा है। ते दूसरा, चंडीगढ़ दे मुलाजमां तों पंजाब दे नियम हटा के केंद्रीय नियम लागू करन दा फैसला है। इन्हां दोवें फैसलों के खिलाफ मता पेश किया जाएगा। तो सिर्फ तो सिर्फ पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ही ने जिन्हां ने इस फैसले की वकालत की है, चंडीगढ़ वाले फैसले की वकालत की है। सो उन्हां दी पार्टी का कोई भी जिहड़ा विधायक है वह जित्या नहीं है। सो सदन दे विच सिर्फ BJP नूं छड़ के बाकी सारे विधायक सर्वसम्मति दे नाल लगता है कि इस मते नूं पास कर देंगे। अज इजलास तो पहला कल मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगवाई दे विच कैबिनेट की खास मीटिंग भी हुई। इस मीटिंग दे विच नवी शराब नीति ते मोहर ला दित्ती गई है। शराब के ठेकों की म्याद 3 महीने होर वधाउण नूं प्रवानगी दे दित्ती गई है। कर ते आबकारी विभाग के वालों पेश की गई शराब नीति के तहत अज तो लैके 30 जून तक शराब की विक्री तो 910 करोड़ रुपए का मालिया इकट्ठा करने का टीचा मिथ्या गया है। अज की दूसरी अहम खबर यह है कि पंजाब दे विच कणक की सरकारी खरीद अज तो मंडियां दे विच शुरू हो रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार की अगवाई दे विच सूबे दे विच किसी फसल की यह पहली सरकारी खरीद है। सरकार के दावे के मुताबिक खरीद एजेंसियों के वालों कणक की खरीद के सारे प्रबंध मुकम्मल किए गए ने। समय से फसल की खरीद होएगी यानी कि फसल की चुकाई होगी मंडियां दे विच ते समय से ही उन्होंने अदायगी कर दी जाएगी। पहला सरकार ने 72 घंटे के अदायगी करने के हुक्म दिए सी, हुण जुबानी तौर पर 12 घंटे के विच फसल की अदायगी करने के हुक्म खरीद एजेंसियों को दिए गए ने, पर 12 घंटे के विच किसानों को अदायगी करना तकनीकी तौर पर सौखा नहीं होगा। मालवे दे विच कणक की वाढ़ी शुरू हो चुकी है ते लगता है कि अज तो मालवे दीआं मंडियां दे विच कणक आउणी शुरू हो जाएगी। पंजाब सरकार दे वल्लों ऐतकी 132 लाख मीट्रिक टन कणक खरीदन दा टीचा मिथ्या गया है, जबकि उत्पादन 175 लाख मीट्रिक टन होण दा अंदाजा है। ते रूस यूक्रेन जंग दे करके कणक दी काफ़ी मंग कौमांतरी पद्धर ते वधी हुई है ते लगता है कि जिन्नी कणक पैदा होवेगी पंजाब दे विच उन्नी सारी ही खरीद ली जाएगी, क्योंकि सरकारी एजेंसियां 132 लाख मीट्रिक टन तो उही खरीद लैणगियां ते बाकी जिहड़े निजी व्यापारी हुंदे ने ओह भी किसानां तों MSP तों किते वध रेट ते कणकां खरीदणगे। ऐतकी पंजाब दे विच कणक दा भा 2015 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि बाजार दे विच भा 2300 रुपये नूं पार भी कर चुकिया। ते पंजाब सरकार ने भी ऐलान कर दिता कि किसानां नूं अज तों डिजिटल जे फार्म भी मिलने शुरू हो जाणगे। पंजाब दे विच मुफ्त बिजली की उड़ीक कर रहे लोगों नूं झटका देने वाली खबर है, क्योंकि पंजाब की नवी बनी आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली दरां जारी कर दित्तियां ने, पर उन्हां दे विच ना तो बिजली के रेट घटाए गए ने ना ही वधाए गए ने ते ना ही 300 रुपये मुफ्त बिजली यूनिट देण दी जो गरंटी दित्ती गई सी उस नूं इस साल दे लई लागू किया गया है। पंजाब स्टेट इलैक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने 2022-23 दे लई बिजली दरां दा ऐलान कर दिता है। कमिशन ने पिछले माली वरे वालियां बिजली दरां ही कायम रखियां ने, कोई तब्दीली नहीं कीती है। हालांकि यह भी एक वड्डी राहत हुंदी है कि पिछलियां बिजली दरां ही लागू कीतियां गईयां ने, ना रेट वधाए ने ना ही घटाए ने, खपतकारां ते कोई ज़्यादा बोझ नहीं पाया गया। पर यह जरूर झटका है कि पंजाब के लोगों अज तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त नहीं मिलेगी, क्योंकि रेगुलेटरी कमीशन के वलों जिहड़े टैरिफ जारी किए गए ने उन्हां दे विच किधरे भी 300 यूनिट मुफ्त बिजली देण दा जिक्र ही नहीं है।
ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 300 ਰੁਪਈਏ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਸੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਨ ਦੀ। पर एक साल हाले इस गरंटी दे पूरा होने की उड़ीक थानू करनी पवेगी। हालांकि पुरानी सरकार दे वल्लों एससी भाईचारे नू 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की जिहड़ी सहूलत लागू की गई सी वह भी जारी रहेगी। 7 किलोवाट तक 3 रुपये सस्ती बिजली की सहूलत भी कायम रहेगी। ते कमिशन दे वल्लों जिहड़ियां दरां लागू कीतियां गईयां ने पिछलियां दरां उह वी तुहानू याद करवा दिंदे आ। घरेलू बिजली दे 2 किलोवाट लोड तक 0 तों 100 यूनिट तक बिजली दा रेट 3 रुपये 49 पैसे प्रति यूनिट रहेगा। 101 तों 300 यूनिट तक भा 5 रुपये 84 पैसे प्रति यूनिट लगेगा। 300 तों वध यूनिटां दा रेट 7 रुपये 30 पैसे प्रति यूनिट तय किया गया है। ते इह बिजली दरां अज तों पंजाब दे विच लागू हो जाणगीआं। संयुक्त किसान मोर्चे के वलों 11 अप्रैल तो लैके 17 अप्रैल तक देश भर के MSP हफ्ता मनाया जाएगा। इस हफ्ते दौरान देश भर के सैमीनार रैलियां ते मीटिंगां करके फसलों दीआं केंद्र दे वलों निर्धारित कीतियां जांदियां कीमतों मुताबिक खरीद यकीनी बनाउण दे लई किसानां ते देशवासियां नूं लामबंद कीता जाएगा। बनूड़ पहुंचे संयुक्त किसान मोर्चे के लीडर डॉक्टर दर्शनपाल ते राकेश टिकैत ने यह ऐलान किया। डॉक्टर दर्शनपाल ने कहा कि किसानों के मसलों संबंधी गलबात करने के लिए उन्होंने पंजाब की नवी बनी आम आदमी पार्टी की सरकार को भी समा मंगया है। तो पिछले दिन लंबी दे विच जिहड़ा किसानों ते पुलिस ने लाठीचार्ज किया सी उस दे विरोध दे विच किसानों ते मजदूरों का सूबा पद्धर ते अज मुजहरा होगा। लाठीचार्ज के विरोध और मुलजम पुलिस मुलाजमान के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर किसानों के वलों अज हर जिले के DC दफ्तर के मूहे रोस मुजहरे किए जाएंगे। इस दे नाल ही उगराह जथेबंदी ने श्री मुक्तसर साहब विखे डिप्टी कमिश्नर दफ्तर मूहे अणमिथे समय का धरना भी शुरू कर दिता गया। किसानों के वलों मांग की जा रही है कि लंबी दे विच जिहड़े किसानों के खिलाफ केस दर्ज किए गए ने वह रद्द किए जाण अते जिम्मेवार अधिकारियों खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने सरकार तो यह भी मांग की है कि श्री मुक्तसर साहब के DC ते विभागी कार्रवाई भी की जानी चाहिए है, क्योंकि किसानों ते लाठीचार्ज करवाउण दा सब तो वड्डा जिहड़ा दोष है वह DC मुक्तसर साहब का है। मुल्क दे विच लोकां नूं महंगाई का झटके ते झटका लग रहा है। लंघी रात टोल प्लाजिया ते भी नवीं दरां लागू हो चुकिया ने, यानी कि जदों 1 अप्रैल चढ़िया है रात 12 बजे तो टोल प्लाजिया ते नवीं ते महंगीआं दरां लागू कर दित्तियां गईआं ने। पंजाब ते हरियाणा दे विच्चों कौमी मार्गां तों गुजरन वाले लोकां नूं पहलां दे नालों 10 तों 18% तक वाधू टोल टैक्स देना पवेगा। इस फैसले का असर पंजाब के 11 टोल प्लाजिया ते देखण नूं मिलेगा, जिथे हुण तुहानूं 10 तों लैके 65 रुपये तक वध पैसे टोल प्लाजे ते देने पैणगे। ते किसान जथेबंदियां इस फैसले दे खिलाफ इस वाधे दे खिलाफ संघर्ष करन दे रौं दे विच ने। इधर पंजाब दे दुध उत्पादकां दे लई एक चंगी खबर है। दुध दीआं खरीद कीमतां दे विच सरकार ने वाधे दा ऐलान कर दिता है। पंजाब दे सहकारिता ते वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दुध दी खरीद कीमत विच 20 रुपये प्रति किलो फैट के हिसाब नाल वाधे दा ऐलान कीता है। ते ए जिहड़ियां नवीआं दरां ने अज तों लागू हो जाणगीआं। ते इस ऐलान तों बाद डेयरी फार्मिंग दे नाल जुड़े किसानां नूं 1 तों 1.5 रुपये प्रति किलो दा लाभ होवेगा। चीमा ने कहा कि पिछले समय दे दौरान पेट्रोल ते डीजल दे भाव तां लगातार वधाए जा रहे ने, पर दुध दे भाव ने जिहड़े ओह नहीं वधाए जा रहे, इस करके दुध उत्पादकां दा मुनाफा जाहिर तौर ते घट रहा सी। ते हुण मिल्क फैड दे वल्लों अपने नाल जुड़े 2.5 लाख दुध उत्पादकां दी आर्थिक हालत दी बेहतरी लई 20 रुपये प्रति किलो फैट दे हिसाब नाल दुध दी खरीद कीमत वधाउण दा फैसला लिया गया है। मिल्क फैड के MD कमलदीप सिंह संघा ने दसा कि मोहाली जिले के डेयरी धंधे जुड़े किसानों तो दुध खरीद 710 रुपये प्रति किलो फैट के हिसाब न की जाती सी, जी हूँ 750 रुपये प्रति किलो फैट के हिसाब न की जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के जिले संगरूर के पंजाब पुलिस 2016 तो अधूरी पई भर्ती प्रक्रिया मुकम्मल कराने के लिए नौजवानों के धरने का अज चौथा दिन है। तो कल तीसरे दिन भी टैंकी से उम्मीदवार डटे रहे। टैंकी से चढ़ी एक लड़की तो मुख्यमंत्री की कोठी मूहरे बैठे धरनाकारियों के भी एक लड़की की सेहत खराब हो गई। दोवें लड़कियों सिविल हस्पताल दाखिल करवाया गया है। हालांकि बाकी प्रदर्शनकारियों ने रोस धरना दिल्ली लुधियाना हाईवे तो मुख्यमंत्री की कोठी के मूहरे हुण बदल दिता है।
टैंकी ते चढ़े ते मुख्यमंत्री दी कोठी मूहरे डटे सारे प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री दे नाल मीटिंग करवाउण दी मंग कर रहे ने, पर हाले तक कोई मीटिंग तय नहीं हो सकी है। जंडियाला गुरु दे विच एक फ्यूजन माइक्रो फाइनांस कंपनी दे दफ्तर विचों लगभग 10 लाख रुपये लुटेरिया ने लुट ले ने। ब्रांच दे मैनेजर गुरप्रीत सिंह ने दस्या कि जदों अपने 4 साथी मुलाजमां समेत रात 8:50 ते दफ्तर च कट्ठी हुई रकम की गिणती कर रहे सी तां अचानक 4 नकाबपोश हथियारबंद लुटेरे दफ्तर विच आ गए। 3 दे कोल पिस्तौल सन। उन्होंने सारे स्टाफ ते बंदूकां तान लईआं अते काउंटर दे दराज ते अलमारी विच रख्या कैश कढ लिया। इस तो पहला लंघी 7 जनवरी नूं वी उन्हां दी ब्रांच विचों 2 लाख रुपये लुट्टे गए सी ते 2 महीने बाद फिर दोबारा लुट्ट नूं अंजाम दिता गया है। पुलिस दा उही कड़ा कड़ा जवाब हुंदा है कि मामले दी असीं जांच कर रहे हां, दोषी फड़े जाणगे। PRTC दे वल्लों कुछ समा पहला हड़ताल करके बर्खास्त किते 600 PRTC मुलाजमां नूं बहाल कर दिता गया है। बहाली दे हुकम नवें ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने जारी किए ने। इन्हां विचों 25 मुलाजमां नूं पहली वारी PRTC दे दफ्तर पहुंचे भुल्लर ने नियुक्ति पत्र भी सौंपे। फरीदकोट तो खबर है जिथे लंघे सालां दे विच 3 मसीतां बनियां ने ते इन्हां मसीतां दी उसारी ते हुण सुरक्षा एजेंसियां दी नज़र पै गई है, क्योंकि इन्हां मसीतां दे लई केरला दी संस्था ने फंड मुहैया करवाए ते कश्मीर दे 2 बंदिआं ने उसारी कारजां दे लई पैसा दिता। केरला की एक गैर सरकारी संस्था रिलीफ एंड चैरिटेबल फाउंडेशन दे वल्लों फरीदकोट जिले दे विच घट्टो घट 3 मस्जिदां दी उसारी दे लई फंड मुहैया करवाउण दे मामले ने हुण सुरक्षा एजेंसियां दा ध्यान खिंच लिया है, जदकि संस्था दी पंजाब च कोई इकाई ही नहीं है। विदेश रहिंदे व्यक्तियां जां संस्थावां दे वल्लों मस्जिदां दी उसारी लई दित्ते गए इह फंड बारामूला जिले दे नाल संबंधित 2 कश्मीरी वसनीकां दे वल्लों मुहैया करवाए गए, जिन्हां ने उसारी कार्ज दी निगरानी भी कीती ते बिलां दा भुगतान भी कीता। ये मसीतां 2015 तो 2017 के अरसे दौरान बनिया ने ते पाकिस्तान नाल लगती कौमांतरी सरहद तो महज 40 तो 70 किलोमीटर की दूरी ते स्थित ने। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंधी रिपोर्ट जारी की है, जिस मुताबिक RCFI ने पंजाब के सरहदी इलाकों में स्थित इन्होंने मसीतों की उसारी लिए 70 करोड़ के कौमांतरी फंड मुहैया करवाए। सूत्रों मुताबिक कल फिरोजपुर, तरन तारण, अमृतसर, गुरदासपुर के पठानकोट के सरहदी जिलों के 200 तो भी वसीत बनिया हुई ने, जिन्होंने ज़्यादातर नवी बनाई गई ने। इन्होंने मसीतों के लिए सरहद के नेड़े 10 किलोमीटर के घेरे में फंडिंग होनी भी जांच का विषय बन गया। RCFI ने फोन, व्हाट्सएप ते ईमेल राही मसीदा दी फंडिंग संबंधी एक मीडिया अदारे वालों पुछे गए सवालों का कोई जवाब भी नहीं दिता। हालांकि वारी वारी पता करन तो बाद RCFI दे एक बुलारे ने यह जरूर मन्या है कि संस्था दी पंजाब दे विच कोई इकाई ही नहीं है। हालांकि उन्होंने यह दावा किया है कि साड़ी संस्था सिर्फ ते सिर्फ लोक भलाई दे कारज करती है। RCFI दी जे वैबसाइट देख लईए तो उस दे मुताबिक भी यह संस्था एक गैर फिरकू संस्था है। 2000 साल दे विच हेठले पद्धर ते पिछले वर्गों का समाजिक सभ्याचारक पद्धर उच्चा चुकण दे टीचे नाल यह बनाई गई सी। इन्हां ने अपने टीचे दे विच मसीतां दी उसारी संबंधी कोई जिक्र नहीं किया होया। ते संस्था कौमी ते कौमांतरी फंडिंग एजेंसियां लोगों के योगदान ते व्यक्तिगत दान देने वालों की मदद नाल मुल्क दे 24 सूबयां दे विच 2.5 मिलियन तो वध लोगों दे नाल सीधे तौर ते हुण तक जुड़ चुकी है। सो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां की जांच दे विच होर की कुछ सामने आउंदा है, यह देखना काफ़ी अहम रहेगा। खबर अमरीका तो है ते सिखां दे नाल जुड़ी हुई है। अमरीका दी राजधानी वाशिंगटन DC दे विच हेठले सदन विच अमेरिकन सिख कांग्रेशनल कॉक्स दे मैंबरां ने 14 अप्रैल खालसा साजना दिहाड़े यानी कि विसाखी दे दिन नूं अमरीका दे विच नैशनल सिख डे वजों मानता देण लई बिल पेश कीता, जिस नूं प्रवानगी मिलनी लगभग तय दसी गई है। अमरीका दे सदन विच पेश कीते गए इस बिल लई जिथे अमरीका दे सिखां दे विच खुशी दा माहौल है, उथे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी इस नूं सिख कौम दे लई फखर वाली गल दस्या। अमेरिकन सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे कोआर्डीनेटर डॉक्टर प्रितपाल सिंह ने दस्या कि लगभग 1 सदी पहला पंजाब दे विचों सिख भाईचारे ने अमरीका दे विच प्रवास करना शुरू किया सी। सिखां ने अमरीका दे विकास विच अहम योगदान पाया ते सिख धर्म दुनिया दे विच 5वां सब तो वड्डा धर्म है, जिस नूं मन्नण वालों की गिणती लगभग 3 करोड़ है ते इहदे विचों लगभग 10 लाख लोग अमेरिका दे विच रहिंदे ने ते संयुक्त राज अमरीका नूं अपना घर मानदे ने। प्रितपाल सिंह ने दस्या कि सदन दे विच बिल मुख तौर ते कांग्रेस महिला लीडर मैरी स्केलर ने पेश किया, जबकि कॉक्स कमेटी के को चेयरमैन जॉन गारामेंडी ते डेविड बलदाओ ने इसकी हमायत की। हमायत करन वालों विच एक हिंदू मैंबर राजा कृष्णामूर्ति भी शामिल ने।
सदन का अगला सैशन उत्थे 1 अप्रैल तो 7 अप्रैल तक चलना है ते इस दे विच बिल नू वड्डी परवानगी मिलन दी उम्मीद है। सो सिख भाईचारे दे लई बहुत वड्डी गल होएगी कि अमरीका दे विच 14 अप्रैल नू नैशनल सिख डे वजो मनाया जाएगा। सिर्फ एक शहर जा एक स्टेट दे विच नहीं पूरे अमरीका दे विच इस दिहाड़े नू नैशनल सिख डे वजो मनाए जाण दा ऐलान किया जाना पूरी दुनिया दे विच वास्ते सिख भाईचारे दे लई बड़ी वड्डी माण वाली गल होएगी। SGPC प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने अमरीका दी संसद दे इस फैसले दा जिते स्वागत किया है नाल ही उन्होंने शलाघा की है उन्हां सिख लीडरां दी सिख भाईचारे दी जिन्हां दी सदका अमरीका दे विच इस दिहाड़े नूं सिख डे वजों मनाउण दी जिहड़ी चाराजोई है वह शुरू हुई है ते इह पूरी तरह दे नाल इस ते मोहर लगन दी कवायद है जिहड़ी वह पूरी होण वाली है ते उन्होंने इस नूं प्रवानगी देण वालियां दा धन्नवाद भी किया है। पंजाब दे विच नवीं बनी आम आदमी पार्टी की सरकार जिथे विधायकां ते मंत्रियां नूं लैके नित नवे फैसले लै रही है उस दरमियान मीडिया ने एक होर मसला आम आदमी पार्टी की सरकार दे ध्यान विच लियांदा है कि साबका विधायकां दे इलाज खर्चे की पंजाब दे विच कोई सीमा ही नहीं है। एक वड्डी सरकारी रियायत है साबका MLAs नूं साबका विधायक अते उन्हां दे चार आश्रितां दे इलाज का पूरा खर्चा भी सरकारी खजाना चुकदा है। लंघे 15 सालां दे विच विधायकां अते साबका विधायकां दे इलाज ते सरकार ने 23 करोड़ 50 लाख रुपये खर्च दिते ने जिन्हां दे विचों कल्ले साबका विधायकां दे इलाज ते ही 16 करोड़ 10 लाख रुपये खर्च दिते गए ने। पिछले दिनी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक विधायक एक पेंशन का ऐलान करके खर्चे घटाउण दे लई पहल की है ते हुण जदों इह गल सामने आई है तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार इस ते भी कट लाउण वर्गा कोई विचार बना लवे। रूस यूक्रेन युद्ध दे नाल जुड़ी एक अपडेट थानू दस दिने हां अमरीका ने रूस नाल संबंध रखण वाले मुल्कां नू चेतावनी दिती है ते इह चेतावनी भारत दी धरती तों दिती गई है। दरअसल अमरीका दे उपकौमी सुरक्षा सलाहकार दलीप सिंह भारत दे 2 दिनां दौरे ते पहुंचे हुए ने ते उन्हां ने अमरीका दीआं पाबंदियां दी उलंघणा करन वाले मुल्कां नू नतीजे भुगतण दी चेतावनी दिती है। दलीप सिंह ने कहा कि जिहड़ा भी मुल्क अमरीका दे वल्लों रूस दे लाईआं पाबंदियां दी उलंघणा करेगा उस नू नतीजे भुगतणे पैणगे ते जिहड़ा पालना करेगा उन्हां दे लई भी नतीजे वख होणगे। उन्हां इह वी कहा कि उह भारत दे वल्लों रूस तों ऊर्जा ते होर पदार्थां दी कीती जा रही दरामद दे विच तेजी नहीं देखणा चाहुंदे। इस दरमियान बरतानिया दी विदेश मंत्री दे वल्लों भारत दे विदेश मंत्री एस जयशंकर दे नाल वी चर्चा कीती है ते रूसी विदेश मंत्री वी दिल्ली पहुंचे ने। पाकिस्तान दे सियासी संकट दी गल कर लईए तां प्रधानमंत्री इमरान खान ने बहुमत खुसन तों बाद वी अस्तीफा देण तों इनकार कर दिता है। इमरान खान ने संकेत दिता कि कौमी असैम्बली दे विच बहुमत गुआचन दे बावजूद अपने अहुदे तों अस्तीफा नहीं देणगे। उन्हां कहा कि बेभरोसगी मते ते होण वाली वोटिंग दा मैं सामना करांगा ते इह ऐतवार नूं हो सकदी है ते बेभरोसगी दा मता है जिहड़ा उस दी वैलिडिटी 20 ऐतवार तक है ते उदों तक जिस मते दे उत्ते बहस जां फिर जिहड़ी कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हुंदी तां इह रद्द ही समझिया जाएगा। उन्हां कहा कि मुल्क विच जमीरां दे सौदे हो रहे ने। पाकिस्तान दे लोकां नूं इमरान खान ने कहा कि वह गद्दारां दे चेहरियां नूं याद रखण। दरअसल कल इमरान खान ने पूरे मुल्क नूं संबोधन किया। इस संबोधन दे विच भी इमरान खान ने एक धमकी पत्र की चर्चा की जिस बारे उन्होंने दावा किया कि यह चिट्ठी साडी गठजोड़ सरकार नूं डिगण दा विदेशी साजिश का पुख्ता सबूत है। इमरान खान दे भाषण दीआं जिहड़ियां मुख गल्लां ने उन्हां दे विच खास खास यही रहा। उन्होंने एक तो पहला यह कहा कि पाकिस्तानी लोग कौम दे गद्दारां नूं माफ नहीं करनगे विदेशी धरतियां दे उत्ते साडे खिलाफ साजिश घड़ी जा रही है। इमरान खान ने हमेशा अपने लोगों लिए लड़ते रहने का अहद भी लिया ते अपने एक एक विरोधी दे रिश्वत दे किस्से भी इमरान खान ने सुनाए ते संसद का इजलास हाल की घड़ी 3 अप्रैल तक मुलतवी कर दिता गया। 3 अप्रैल परसों ऐतवार नूं है। सो ऐतवार नूं देखते हैं कि बेभरोसगी दे मते का की बनता है। हो सकता है बेभरोसगी का मता टुट जाए ते इमरान खान रहिंदे 1 साल लई भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने रह सकन ते इह भी हो सकता है कि इमरान खान का प्रधानमंत्री वजों दिता गया एक कल आखरी भाषण होवे। इमरान खान ने अस्तीफा ना देण दा ऐलान करदिआं कहा कि आखरी गेंद तक मैं खेडदा रहांगा ते ऐतवार नूं बेभरोसगी मते ते वोटिंग इस गल दा फैसला करेगी कि मुल्क केड़ी दिशा दे विच जावेगा।
अपने संबोधन दे विच इमरान खान ने अमरीका का नाम भी लिया, यानी कि जो विदेशी साजिश का उन्होंने जिक्र किया उसका इशारा उन्होंने अमरीका वाल किया। अमरीका ने इमरान खान के दोषों नूं नकार दिता है। अमरीका के विदेशी विभाग ने कहा है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालातों से असी कोई चिट्ठी पाकिस्तान नूं नहीं भेजी। पंजाब दीआं खास खबरां दे खास बुलेटिन दे विच हुण कुछ होर खबरां तुहानूं विस्तार च दस दिंदे आं। ते उस तों वी पहलां तुहानूं दस दिंदे आं कि अज जो पंजाब विधानसभा दा विशेष इजलास सद्या गया है उस दी सारी जिहड़ी लाइव कारवाई है उह असी तुहानूं दा खालस टीवी ते दिखावांगे। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 1 अप्रैल नूं यानी कि शुक्रवार नूं पंजाब विधानसभा दा खास एक दिन दा सैशन सद लिया है। इस तों पहलां वीरवार नूं मंत्री मंडल दी मीटिंग बुलाई गई। सूत्रां दे मुताबिक पंजाब सरकार विधानसभा दा सैशन बुला के केंद्र सरकार दे उस नोटिफिकेशन नूं रद्द करना चाहुंदी है जिहदे नाल चंडीगढ़ चों पंजाब सिविल सर्विस नियम खत्म किए गए ने। आम आदमी पार्टी दे सरकार दे कोल विधानसभा दे विच बहुमत है ते सैशन दे दौरान पंजाब सरकार दो होर बिल भी पेश कर सकती है। इन्हां दे विचों एक विधायक एक पेंशन ते स्कूलां दीआं फीसां दे बिल भी पेश किए जा सकते ने। यह भी पता लग्या है कि भगवंत सिंह मान वल्लों किए गए ऐलानां नूं पहलां मंत्री मंडल विच प्रवानगी दित्ती गई है ते उस तों बाद प्रवानगी दित्ती जाएगी ते उस तों बाद विधानसभा दे विच पेश करके कानूनी रूप दित्ता जाएगा। ते आम आदमी पार्टी दी सरकार दा 3 हफ्तियां दे विच दूजा विधानसभा सैशन होएगा। इस दरमियान आम आदमी पार्टी के विधायक गोल्डी कंबोज ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के लोगों नाल धक्का कर रही है, चंडीगढ़ उत्ते साडा ही हक है, पंजाब के लोग यह हक लैके रहेंगे। कांग्रेस के विधायक प्रगट सिंह ने कहा कि चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा है, केंद्र वड्डे पद्धर से साडा नुकसान कर जा रही है, पंजाब के लोगों नूं यह बर्दाश्त नहीं है ते ना ही असी करांगे, सानू सारयां नूं रल के हक लैना चाहीदा है। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खहरा ने भगवंत मान नूं बेनती करदे कहा कि पंजाब कोलों चंडीगढ़ खोण वाले बीजेपी दे सरासर पक्षपाती फैसले खिलाफ उह आवाज़ चुकण, सर्ब पार्टी मीटिंग बुलाई जावे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे नाल गलबात की जावे, जमीनी पद्धर ते इसका विरोध किया जाए, जां फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच करके इस अहम मसले का हल किया जाए। सानूं बगैर पुछे उन्होंने आ कानून बना दिता वा कि इहदे ते एजिटेशन नहीं बनदी, और नाल दी नाल एक सुप्रीम कोर्ट दे विच पंजाब सरकार एक पिटिशन मूव करे, उहदे विच अपना सारा पक्ष रखे, राजीव लौंगोवाल का जिहड़ा अकॉर्ड की कॉपी लावे जिहदे विच 7वें पॉइंट के उत्ते ट्रांसफर ऑफ चंडीगढ़ टू पंजाब अश्योर्ड बाय अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। कोई छोटे मोटे बंदे वालों यह विश्वास नहीं सीगा, प्राइम मिनिस्टर भावें किसी पार्टी का हो लेकिन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सीगा जदों 1985 च यह अकॉर्ड होया वा। इसलिए 3-4 चीज़ां आम आदमी पार्टी की सरकार नूं जरूर करनियां चाहिए, और राज्यसभा के मैंबर्स असीं ताइयों कहिंदे सी ना कि नॉन पंजाबी मत चुनो, उन्हां नूं मत चुनो जिहड़े पंजाब दी गल समझदे नहीं कर नहीं सकदे। हुण जिहड़े दिल्लीओं दो बनाए सीगे राघव ते उह कदे वी नहीं बोलणगे। सो विरोधी पार्टियां भी इस मसले ते लगातार आवाज़ चुक रहियां ने ते हो सकदा है उंज तां विधानसभा दे विच आम आदमी पार्टी कोल बहुमत है ही, पर सर्वसंमति दे नाल इह मता पास किते जाण दी पूरी संभावना है। शुक्रवार तो पंजाब दे विच कणक दी सरकारी खरीद भी शुरू हो जाएगी। खरीद नूं लैके मंडियां दे विच तैयारियां जोरां शोरां ते ने। पंजाब सरकार दावा कर रही है कि खरीद दे अते पेमेंट दे सारे प्रबंध ने जिहड़े मुकम्मल कर ले गए ने, बारदाने दी कोई समस्या नहीं आउण दित्ती जाएगी, किसानां नूं समें सिर अदायगी होवेगी ते समें सिर ही उन्हां दी फसल चुकी जाएगी। 72 घंटे के अंदर अंदर किसानों नूं अदायगी करन दे पंजाब सरकार ने हुक्म दित्ते ने। सरकार दे वल्लों पंजाब दे विच 1862 खरीद केंद्र बनाए गए ने। 2015 रुपये प्रति क्विंटल दे भाव दे नाल कणक दी खरीद की जाएगी ते 31 मई तक यह खरीद चालू रहेगी। सिस्टम दे विच पारदर्शिता ते किसानां दे सशक्तिकरण नूं यकीनी बनाउण दे लई मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दी अगवाई वाली सरकार ने सूबे भर दे किसानां नूं 1 अप्रैल 2022 तों डिजिटल जे फार्म उपलब्ध करवाउण दा फैसला भी लिया है ते इस नूं PMB दी वैबसाइट e-mandikaran-pb.in आड़तियां दी लॉगिन ID अते डिजीलॉकर तों भारत सरकार दे डिजिटल दस्तावेज वैलेट तों भी इह डाउनलोड कीते जा सकदे ने, जिहड़े जे फार्म 1 अप्रैल तों उपलब्ध करवाए जाणगे। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सूबे दीआं पंचायतां नूं विकास कार्जां लई दित्ती राशि विचों अणवरती राशि नूं सरकारी खजाने दे विच जमा करवाउण दी हदायत जारी कर दित्ती अते इह कहा कि 31 मार्च तक यानी कि वीरवार तक इह राशि जमा होनी चाहीदी है अते राशि जमा करवा दित्ती होएगी क्योंकि 5 बजे तक सरकारी दफ्तरां दा समां हुंदा है। पंजाब सरकार दे योजनाबंदी विभाग दे वल्लों सारे डिप्टी कमिश्नरां नूं इस संबंधी चिट्ठियां लिखियां गईआं। दस्सिआ गिआ कि 2021-22 दौरान 2,040,14,00,000 रुपए की जिहड़ी राशि उह पंजाब दीआं ग्राम पंचायतां नूं वख-वख सैक्शनां दे लई विकास कार्जां दे वख-वख सैक्शनां दे राहीं विकास कार्जां वास्ते अलॉट कीती गई सी।
28 मार्च ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਣਵਰਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 99 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਣਵਰਤੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਭਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NHAI ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰ ਦਾ ਟੋਲ 5 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਭਾਵ ਮਾਲ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਲ 865 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ 11 ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਨਿਲਾਮੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 800 ਰੁਪਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਦੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਯਾਨੀ ਕਿ DMC ਦੇ ਲਈ ਬੋਰਡ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੀਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਨੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਝਗੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਖੇਡਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2 ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 307 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ 80-80 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 9ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਧਾ 6 ਰੁਪਏ 40 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 3 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ 2 ਤੋਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਤੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੱਲੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਜੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਫਕੀਰ ਤੋਂ, ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਿਆਨ, ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਝੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਲੁੱਟੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। 9 ਵਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬੜਾਏ ਗਏ ਔਰ ਇਸਕੀ ਚੋਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਬਸੇ ਗਰੀਬ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਪੜਤੀ ਹੈ। ਹਮਾਰੀ ਮਾਂਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬੜਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਕੇ ਦਾਮ ਬੜਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਨਕੋ ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਕੇ ਦਾਮ ਬੜਾਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਹਮ ਸਭ ਯਹਾਂ ਆਏ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਹਮਾਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚਲੇਗਾ।
काफी दिनों के लिए चलेगा। कांग्रेस की महंगाई मुक्त भारत मुहिम का वख-वख सूबों के लोगों ने साथ दिता। भोपाल ते कर्नाटका दे विच गैस सिलेंडरां दे उत्ते माला पा के इस मुहिम की शुरुआत की गई। विद्यार्थी जथेबंदियां भी इस मुहिम का साथ दे रहियां ने। ते पंजाब दे विच पंजाब कांग्रेस के साबका प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर दे विच महंगाई के खिलाफ धरना दिता। सिद्धू ने कहा, असीं हारे हाँ मरे नहीं हाँ। जथेबंदी दे विच बदलाव वाले सवाल पूछे गए। सिद्धू ने कहा कि मिट्टी च लिबड़े हाथी की भी कीमत घट नहीं हुंदी। उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार नूं निशाना बणाउंदिआं कहा कि सरकार ने तो अपने एम पी ही वेचने शुरू कर दिते ने, यानी कि राज्यसभा दे विच जो मैंबर भेजे गए ने उस नूं लैके सिद्धू ने सवाल चुके ने कि एम पी वेचे गए ने। इस मौके साबका उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी ते होर कांग्रेसी लीडर ते वर्कर भी कांग्रेस दे इस धरने दे विच शामिल होए। लोकां दे चूहे बालों हट गए। देखो एमएसपी 35% वधी है पिछले 7-8 सालां च, ते पेट्रोल डीजल 110% वध गया। करीब करीब 12 बार कीमतां वधा दित्तियां। दाल दी कीमत डबल हो चुकी है। एडिबल ऑयल मैनू दसो गरीब की दिहाड़ी पलेदार की दिहाड़ी 250 to 500 हुई है। ओदी दिहाड़ी का जिहड़ा मुल है 250 रुपये जो खरीदा सी, हुण ओह 700 च नहीं होगा। जिहड़ा गरीब आम आदमी 90% हिंदुस्तानी हिमाचल प्रदेश दे विच भी महंगाई के खिलाफ रोस मुजहरे किए गए। शिमला दे विच कांग्रेस ने डीसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया, नाल ही एलपीजी सिलेंडरां दे नाल रोस मुजहरा किया गया। महंगाई नूं लैके एक होर खबर है, श्रोमणी अकाली दल के बुलारे ते साबका मंत्री डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने वधे हुए टोल टैक्स की निंदा करदिआं ट्वीट किया कि टैक्स घट करन दी बजाय टोल टैक्स दे विच होर वाधा करके लोकां दे जख्मां ते मोदी सरकार लूण छिड़क रही है। इस दरमियान सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ के लोगों भी महंगाई का एक होर झटका लग्या है। चंडीगढ़ के हुण पानी भी महंगा हो गया। प्रशासन के इस फैसले के मुताबिक वख-वख स्लैबां दे विच पानी के रेट 3 रुपये प्रति किलो लीटर तो वधा के 20 रुपये कर दिते गए ने। नवीं दरां शुक्रवार 1 अप्रैल तो लागू होणगियां। प्रशासन ने 11 सालों के वक्फे तो बाद बुधवार को यह फैसला लिया कि हुण शहर के हर घर से 20 रुपये का वाटर सैस ला दिता गया है। प्रशासन का तर्क है कि शहर दी ग्रीन बैल्टां ते पार्कां दी सांभ संभाल दे लई इह सैस लाया गया है। शहर दे विच 1.5 लाख पानी दे कनैक्शन ने, इह सैस भी उहनां तों लिया जाएगा। ते हुण चंडीगढ़ दे विच पानी दी बर्बादी करन ते 5,000 रुपये दा चलान कट्टिया जाएगा। सो चंडीगढ़ वाले पूरा ध्यान रखण। ते महंगाई दे खिलाफ वीरवार नूं किसानां ने भी रोस मुजहरे कीते। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी दी अगवाई दे विच अमृतसर दे वख-वख पिंडां दे विच मोदी सरकार दे पुतले फूके गए। पेट्रोल डीजल दे भाव वधाउण दे खिलाफ, टोल प्लाजा दे टैक्स वधाउण, चंडीगढ़ दे विच केंद्री कानून लागू करन अते बीबीएमबी दे विचों पंजाब ते हरियाणे दी नुमाइंदगी खत्म करन दे विरुद्ध इह रोस मुजहरे पुतले फूक के कीते गए। चंडीगढ़ दे विच जिवें केंद्री कानून लागू किए जा रहे, जिवें भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट दे विचों साडी हिस्सेदारी ते केंद्री बिजली पूल चों साडी हिस्सेदारी खत्म की जा रही है। इहदे नाल MSP गरंटी कानून बनाउणा, लखीमपुर खीरी दे दोषियां नूं अंदर कराउणा, और इहदों गाहां जड़े दिल्ली अंदोलन के केस पए आ शहीदां नूं जड़ा वा वो अजे तक मुआवजा दिता। उहदे करके मोदी सरकार की अर्थी पिंडां विच साड़नी शुरू कर दित्ती। असी कक्कड़ पिंड बार्डर ते आ साडा अमृतसर जिले विच, उत्थे अज पुतला साड़िया जा रहा। इहदे नाल भगवंत मान सरकार को मंग करदे आ भी नशाबंदी करे। लॉ एंड आर्डर की पोजिशन बहुत माड़ी आ। जड़ियां गरंटियां कीतियां वा वह सानू पूरियां करके दित्तियां जाण। आउण वाले समें विच 16 अप्रैल नूं असी SSP दफ्तर ते हाथीगढ़ी वड्डा धरना लावांगे। ना मन्ने तां मोर्चा भी लग सकदा वा। जड़ियां इस वेले नशाबंदी ते पुलिस दीआं मंगां जड़ियां साडियां समें च लटकदियां उहनूं पूरा करन वास्ते तो कांग्रेस पार्टी भावें अपनी होंद बचाउण दे लई लगातार हाथ पैर मार रही है, पर पंजाब विधानसभा चोणां दे विच हारन तो बाद कांग्रेस दे विच आपसी कलेश भी दूर होण दा नाम नहीं लै रहा। कांग्रेस तो लोक सभा मैंबर रवनीत सिंह बिट्टू ने मुड़ नवजोत सिंह सिद्धू दा नाम लए बिना ही एक होर हमला उहनां ते कीता है। कहा कि मिसगाइडड मिजाइल ने साडी पार्टी दा ही नुकसान कर दिता है, क्योंकि मिजाइल साडे घर दे विच ही चल गए।
ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਧਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਐਮਪੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁੜ ਉਡਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਫਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਪਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਡਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। नवंबर 2020 में सारी फ्लाइटें बंद कर दी गई, जिससे उधर के लोगों को बिजनेस का भी नुकसान हुआ है और जो बेचारा वहां मुलाजिम 4 दिन की छुट्टी जाता है, 1 दिन उसका निकल जाता है दिल्ली तक बाय रोड जाने के लिए। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं, क्या पिछली सरकार जिसका वित्त मंत्री भी इधर से थे, जहाँ के ट्रांसपोर्ट मंत्री भी इधर से थे, ट्रांसपोर्ट बंद करने में तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन लोगों के लिए ये एयर ट्रांसपोर्ट शुरू करने के लिए क्या उन्होंने कोई प्रस्ताव भेजा? और जो नहीं भेजा तो क्या ये सरकार बठिंडा एयरपोर्ट में एक बार फिर फ्लाइट शुरू करने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे और कितनी जल्दी करेंगे? शुक्रिया सर। लोक सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਮਨਰੇਗਾ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿਉਂ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਨਰੇਗਾ ਕੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਬਜਟ ਕਾ ਆਵੰਟਨ ਕੀਆ ਜਾਏ, ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਕੇ 15 ਦਿਨੋਂ ਕੇ ਭੀਤਰ ਕਾਮਗਾਰੋ ਕੋ मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित हो, तीसरा मजदूरी भुगतान में देरी की स्थिति में कानूनी तौर पर मुआवजे का भुगतान भी सुनिश्चित हो, और इसके साथ ही राज्यों की वार्षिक कार्य योजनाओं को बिना किसी देरी के तुरंत निर्धारित किया जाए। ते कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी दे सवाल ते मोदी दे मंत्री गिरिराज सिंह ते फिर अनुराग ठाकुर ने जवाब दिता। गिरिराज सिंह ने कहा कि सोनिया गांधी दा दावा हकीकत तो परे है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने यूपीए दे नालों वध इस योजना ते खर्च किया। उधर अमृतसर जिले के मजीठा हल्के दे विच पैंदे पिंड इनायतपुरा दे विच वापरे गुज्जर बरादरी ते सिख किसानों के दरमियान हुए झगड़े ते फिर कतल की घटना तो बाद हालात काफी विगड़े हुए ने ते मामला लगातार सुर्खियां दे विच है ते हुण इस मामले दे विच एक होर मोड़ आ गया है। अमृतसर जिले दे विच पैंदे पिंड मोहन भंडारिया नगर वासियां ने सर्वसम्मति दे नाल मता पास करके गुज्जर बरादरी का बाइकॉट कर दिता है। मता पास किया है कि कोई भी पिंड वासी गुज्जर भाईचारे के किसी भी व्यक्ति दे नाल किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखेगा, ना ही उन्होंने जमीन ठेके ते देवेगा। गुज्जरां कोलों दुध लैण ते भी पाबंदी ला दी गई है। गुज्जरां नूं पिंड विच जां पिंड दे आले दुआले पशु लैके घूमण ते भी मनाही का ऐलान कर दिता गया है। ਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਹਰ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਤੇ ਕਰੀਬ 1300 ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 29-30 ਮਾਰਚ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਥਾਣੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਏ ਗਏ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਗੇਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਧਰਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰੀਬ 1300 ਬੂਟੇ ਵੱਢ ਕੇ ਜੰਗਲਾਤ ਰਕਬੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 10 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗਲਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। SSP ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਧਰੂਮਨ ਨਿੰਬਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਨੇ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਗਰਾਊਂਡ ਸੈਕਟਰ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ
राजधानी की पहली भाषा मनिया गया सी, पर हौली हौली पंजाबी इत्थे तीजे नंबर की भाषा बन के रह गई है ते होर मंगां बारे भी बुलारिया ने दस्या। दिल्ली के मुख्यमंत्री ते आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के दिल्ली विच घर के बाहर लंघे दिन हुई भनतोड़ की जांच लई आम आदमी पार्टी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली हाईकोर्ट विच पटीशन दायर करके सिट बनाने की मांग की है। सूत्रों की जानकारी मुताबिक आप ने हाईकोर्ट तो मांग की है कि सबका जजा की कमेटी बना के जांच करवाई जाए। उधर दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के घर के बाहर भनतोड़ मामले के 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अरविंद केजरीवाल ने अपने घर के बाहर हुई भनतोड़ तो बाद कहा कि देश के लिए मैं जान भी दे सकता क्योंकि केजरीवाल जरूरी नहीं है, देश जरूरी है। गुंडागर्दी हो रही है, नौजवानों लिए यह सुनेहा ठीक नहीं है। देश नूं अगे ले जाण दे लई प्यार ते मुहब्बत जरूरी है। इस घटना तो बाद सोशल मीडिया से भी बयान का जिवें हड़ आ गया। घटना नूं लैके सियासत दे विच तरथली मची हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी एक तरीके दे नाल बीजेपी से दोष लाउंदे कहा कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल की जान लैना चाहती है। आप लीडर संजय सिंह ने ट्वीट किया कि कश्मीरी पंडितों का तो बहाना है, केजरीवाल नूं जान तो मरवाउणा ही उन्होंने मुख मंशा है। उन्होंने अपने ट्वीट नाल कुछ तस्वीर भी सांझियां कीतियां ने। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी इस घटना की निंदा की है। पंजाब दे कैबिनेट मंत्री मीत हेयर ने अपने ट्वीट दे विच प्रधानमंत्री मोदी दी पंजाब फेरी दौरान कहे शब्दों नूं दोहरांदिया कहा कि प्रधानमंत्री नूं कह दिओ केजरीवाल बच गए। आम आदमी पार्टी दे आगू मालविंदर कंग ने कहा कि जदों तो पंजाब च बहुमत दे नाल पार्टी दी सरकार बनी है उदों तो पीएम मोदी नूं अपनी कुर्सी दा फिक्र पिया होया। उन्हां कहा कि इस हरकत तों बाद बीजेपी दी मानसिकता सामने आई है। उधर अरविंद केजरीवाल दे इस घटना ते प्रतिकरण तों बाद बीजेपी दे लीडर मनजिंदर सिरसा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल हमेशा यही कहंदे ने कि मैं देश लई अपनी जान दे सकदा, इह उन्हां दी फिक्स स्टेटमेंट है, पर असल दे विच केजरीवाल दी सोच ते मानसिकता ही गुंडागर्दी वाली है। उन्हां दावा कीता कि आम आदमी पार्टी दे लोक सिनेमा हॉल दे मालकां नूं धमका रहे ने कि फिल्म दा कश्मीरी फाइल्स हटा दित्ती जावे। उधर दिल्ली हाई कोर्ट ने हरियाणा नूं स्पैशल कोटे दे विचों बिजली देण दे केंद्र सरकार दे फैसले ते रोक ला दित्ती है। केंद्र सरकार ने हाले 2 दिन पहलां ही पंजाब दे कोटे ते कट ला के हरियाणा नूं वध बिजली देण दा ऐलान कीता सी, जिस तों बाद उच्च अदालत दे विच इक पटीशन दायर कीती गई जिस राहीं हरियाणा नूं होर बिजली देण नाल दिल्ली विच हनेरा छा जाण दा डर प्रगट कीता गया। केंद्र ने हरियाणा नूं अनएलोकेटेड पूल दे विचों वधेरे बिजली देण दा फैसला लिया सी ते इस दे बदले पंजाब दा कोटा रोक दित्ता सी, पर हुण हरियाणा दा कोटा भी रोक दित्ता गया। दहाकियां बाद भारत सरकार ने 3 सूबियां नागालैंड असम ते मणिपुर दे विच आर्म्ड फोर्सेस स्पैशल पावर्स एक्ट यानी कि अफसपा दे तहत गड़बड़ वाले खेतरां दा घेरा घटाउण दा फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके इस दी जानकारी दित्ती है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना कारण यूपीएससी प्रीख्या देने दे विच असफल रहने वाले उम्मीदवारां नूं प्रीख्या विच बैठन दा वाधू मौका देने दी मंग वाली पटीशन ते केंद्र नूं 2 हफ्तियां दे विच विचार करके जवाब देने लई कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसदी समिति दी रिपोर्ट दे मुताबिक इस ते विचार कीता जावे। पटीशनर ने अदालत नूं दस्या कि संसदी समिति ने अपनी रिपोर्ट दे विच महामारी नाल प्रभावित उम्मीदवारां नूं छोट देने दी सिफारिश कीती सी। इस तों पहलां सुप्रीम कोर्ट दे विच केंद्र सरकार ने हल्फनामा दाखल करके कहा सी कि कोरोना कारण जनवरी दे विच यूपीएससी प्रीख्या ना दे सकन वाले उम्मीदवारां नूं वाधू मौका देना संभव नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट ने हुण मुड़ विचार करन लई कह दिता है। वीरवार नूं राज्यसभा दे विच 72 मैंबरां नूं विदायगी दित्ती गई। उपरले सदन दे विच 19 सूबिआं दी नुमाइंदगी करन वाले इन्हां मैंबरां दा कार्जकाल मार्च तों जुलाई दरमियान पूरा हो रिहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा तों सेवा मुक्त हो रहे मैंबरां दे चंगे भविख दी कामना कीती। 1 अप्रैल नूं पंजाब विधानसभा दा खास सैशन जिहड़ा बुलाया गया उस तों 1 दिन पहलां पंजाब कैबिनेट दी बैठक हुई। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दी अगवाई दे विच ते उस बैठक दे विच कई फैसले लए गए ने। 2022-23 दे लई आबकारी नीति नूं प्रवानगी दित्ती गई है जिहड़ी कि 1 अप्रैल तों 30 जून तक 2022 तक अमल विच रहेगी, यानी कि इस नीति नूं 3 महीनां लई एक्सटेंड कीता गया है। इस दे नाल ही असीं जिहड़े फैसले दी पहलां तुहानूं जानकारी दे चुके हां कि किसानां नूं जे फार्म ने जिहड़े ओह डिजिटल रूप दे विच मुहैया करवाए जाया करनगे 1 अप्रैल तों, उस नूं भी प्रवानगी दित्ती गई है कैबिनेट दे वल्लों ते इस दे नाल सूबे दे 9 लाख पंजीकृत किसानां नूं लाभ पहुंच ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਫਾਰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਸੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
उधर अमरीका दे विच वाइट हाउस ने दावा किया है कि वलादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति और उन्होंने फौजी सलाहकारा दरमियान तनाव बनया हो। रूसी राष्ट्रपति को लगता है कि जंग के हालात बारे उन्होंने गुमराह किया जा रहा है। उधर यूक्रेन के शहर चरनहीव और कैपिटल है जी यूक्रेन की कीव उसके आले दुआले हमले लगातार जारी ने। इसकी पुष्टि यूके के रक्षा मंत्रालय के वलों की गई है। इस दरमियान रूस के विदेश मंत्री सरगाई लावरोव भारत पहुंच रहे ने, भारत दौरे ते आउणगे। बुलेटिन दे विच पाकिस्तान की अहम खबर थानू दस दिने हां। पाकिस्तान दे विच सियासी भूचाल आया होया है। इमरान खान की कुर्सी पूरी खतरे दे विच है। इमरान खान हुण पाकिस्तान दे प्रधानमंत्री नहीं रहणगे क्योंकि संसद दे विच उन्होंने बहुमत गुआ लिया है। ते पाकिस्तान दे विच सियासी भूचाल के दरमियान देश की नैशनल असैम्बली की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है। बेभरोसगी मते ते हुण 3 अप्रैल नूं चर्चा ते वोटिंग हो सकती है। इस तो पहला वीरवार नूं इस ते चर्चा होनी सी ते वोटिंग होनी सी। विरोधी धिर लगातार प्रधानमंत्री दे खिलाफ बेभरोसगी मते ते वोटिंग दी मंग कर रही है। हालांकि हुण 3 अप्रैल नूं ही इस ते कार्रवाई संभव हो सकेगी। मन्या जा रहा है कि ऐतवार नूं बेभरोसगी मते ते वोटिंग कीती जाएगी क्योंकि संविधानिक पक्ष तों मते दी मियाद 3 तरीक नूं खत्म हो रही है। डिप्टी स्पीकर ने इजलास मुलतवी करन दे अपने फैसले लई सदन दे माहौल नूं जिम्मेदार दस्सिया क्योंकि सदन दे विच काफी रौला रप्पा पै रहा सी। इस तो पहला पाकिस्तान सरकार के मंत्री फवाद चौधरी ने ट्वीट करके भी जानकारी दी कि प्रधानमंत्री इमरान खान वीरवार की रात नूं राष्ट्र नूं संबोधन करनगे। पंजाब दी खास खबरां दे खास बुलेटिन दे विच हुण तुहाडे सब तों इजाजत चाहुंदे हां। तुसी सारे अपना ध्यान रखियो। धन्नवाद।